गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 7 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज गेटिंग टू नो प्लांट्स। गेटिंग टू नो प्लांट्स चैप्टर में हम जानेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स के बारे में, उनमें रूट्स कैसे होते हैं, उनके लीव्स कैसे होते हैं, लीव्स के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर हम पढ़ेंगे और कई चीज़ें हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड रीराइट देम इन योर नोटबुक। आपको ये स्टेटमेंट को करेक्ट करके फिर से अपने नोटबुक में लिखना है। स्टेम एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। स्टेम पानी से, सॉरी सॉइल से वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करता है। सो रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। आंसर इज रूट एब्जॉर्ब करता है, स्टेम एब्जॉर्ब नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 2, लीव्स होल्ड द प्लांट अपराइट। लीव्स प्लांट को सीधे खड़े रहने में हेल्प करता है। आंसर रॉन्ग है, स्टेम होल्ड द प्लांट अपराइट। रूट्स कंडक्ट वाटर टू द लीव्स। रूट पानी को पत्तों तक पहुंचाता है। स्टेम कंडक्ट द वाटर टू द लीव्स। आंसर इज स्टेम। द नंबर ऑफ पेटल्स एंड सेपल्स इन अ फ्लावर इज ऑलवेज इक्वल। हर फूल में नंबर ऑफ पेटल और सेपल इक्वल होते हैं। द नंबर ऑफ पेटल एंड सेपल्स इन अ फ्लावर इज नॉट ऑलवेज इक्वल। इफ द सेपल्स ऑफ अ फ्लावर आर ज्वाइंट टुगेदर इट्स पेटल्स आर ऑल्सो ज्वाइन। अगर सेपल ज्वाइन होंगे फूल में तो उसके पेटल्स भी ज्वाइंट होते हैं एक दूसरे के साथ में। If the sepals of a flower are joined together, the petals are separate and not joined together. If the petals of a flower are joined together, then the pistil is not joined to the petal. अगर petals फूल के joined हैं एक दूसरे से तो pistil जो है वो joined नहीं होता है। Answer है, if the petals of a flower are joined together, then the pistil is not necessarily joined to the petal. ज़रूरी नहीं है कि pistil भी joined हो एक दूसरे से। Question number 2. Draw a leaf, a taproot, a flower you have studied for table 7.3. And the answer is you have to draw a leaf like this, roots and flower from the book. Question 3. Can you find a plant in your house or in your neighbor which has long but a weak stem? Write its name. In which category would you classify it? क्या आप कोई अपने घर में लगे ऐसे किसी पौधे के बारे में बता सकते हैं जिसकी लॉन्ग और कमज़ोर स्टेम होती है, उसका नाम लिखें और ये बताएं कि वो किस कैटेगरी को बिलोंग करता है। मनी प्लांट हैज़ अ लॉन्ग बट वीक स्टेम, इट इज़ अ क्लाइंबर। मनी प्लांट जो है वो लंबा और वीक स्टेम होती है उसकी और वो एक क्लाइंबर है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ अ स्टेम इन अ प्लांट। प्लांट में स्टेम का क्या फंक्शन होता है? फंक्शन ऑफ स्टेम इन ए प्लांट इज इट होल्ड द ब्रांचेस लीव्स फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। ये ब्रांचेस को, लीव्स को, फ्लावर्स और फ्रूट्स को होल्ड करके रखने का काम करता है। द स्टेम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट्स टू द अपर पार्ट। ये पानी और मिनरल्स को रूट्स से बाकी पौधों के बाकी पार्ट्स तक पहुँचाने का काम करता है। इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट द प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स। और ये प्रिपेयर्ड फूड को, जो खाना पत्तों के द्वारा बनाया जाता है, उसे भी बाकी पार्ट्स में पहुंचाने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग लीव्स हैव रेटिकुलेट विनेशन। वीट, तुलसी, मेज, ग्रास, करियंडर, धनिया, चाइना रोज। इनमें से किस में रेटिकुलेट विनेशन पाया जाता है? रेटिकुलेट विनेशन आप ये देख रहे हैं, डायग्राम बना हुआ है। इसे हम इस पत्तियों में जब इस प्रकार की धारियाँ होती हैं उन्हें हम रेटिकुलेट विनेशन कहते हैं। तो तुलसी, करियंडर एंड चाइना रोज में ऐसे रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 6, इफ अ प्लांट हैज़ फाइब्रस रूट। अगर किसी प्लांट में फाइब्रस रूट्स है तो व्हाट टाइप ऑफ वेनेशन डू इट्स लीव्स लाइकली टू हैव। अगर किसी प्लांट में फाइब्रस रूट होता है तो उसमें किस, उसके पत्तों में किस प्रकार की वेनेशन देखने को मिलती है? आंसर है पैरेलल वेनेशन। If a plant has leaves with reticulate venation, what kind of roots will it have? Answer है taproot. Question number 8 है, Is it possible for you to recognize the leaves without seeing them? क्या आपके लिए पॉसिबल है कि आप पत्तों को देखे बिना उन्हें बता दें कि ये कौन से पत्ते हैं? Yes, we can identify the types of leaves by looking at its root. हम उनके roots को देखकर बता सकते हैं कि उनमें कैसे पत्ते होंगे। जिन लीव्स में रेटिकुलेट विनेशन होती है उनके रूट टैप रूट्स होते हैं और जिन में पैरेलल विनेशन होती है उनमें फाइब्रस रूट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, राइट द नेम्स ऑफ द पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। द पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर आर फूलों के प्रकार है, फूलों के पार्ट्स हैं सेपल्स, पेटल्स, स्टेमेंस एंड पिस्टिल। क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स हैव यू सीन? ऑफ दोज
that you have seen which one have flower, grass, mage, wheat, chili, tomato, tulsi, peepal, sisham, banyan, mango, jamun, guava, pomegranate, पपाया, बनाना, लेमन, शुगर केन, पोटैटो, ग्राउंडनट, इनमें से आपको कौन से पौधे आप लोगों ने देखे हैं और इनमें से कौन से ऐसे पौधे हैं जिनमें फूल निकलते हैं। तो हमने कई प्रकार के पौधे देखे हैं और इनमें से जिन पौधों से फूल निकलते हैं वो है मेज़ मतलब मक्का, वीट, चिली, टोमेटो, तुलसी, पीपल, शीशम, बनियन, मैंगो, जामुन, गुआवा, पोमग्रेनेट, पपाया, बनाना, लेमन एंड पोटैटो। क्वेश्चन नंबर 11 है, नेम द पार्ट ऑफ अ प्लांट विच प्रोड्यूसेस इट्स फूड। प्लांट का कौन सा पार्ट है जो फूड बनाता है, इस प्रोसेस को बताइए। लीव्स प्रोड्यूस फूड्स फॉर द प्लांट विद द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। पत्ते जो हैं वो अपने लिए खाना बनाते हैं, जिस प्रोसेस को हम उस प्रोसेस से बनाते हैं उसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, इन विच पार्ट ऑफ अ फ्लावर यू आर लाइकली टू फाइंड द ओवरी। कौन से पार्ट में आपको ओवरी दिखाई देती है फूल के। ओवरी इज लोकेटेड इन द लोअर मोस्ट एंड स्वेलिंग पार्ट ऑफ द पिस्टल ऑफ फ्लावर। फूल के लोअर मोस्ट पार्ट में, नीचे की पार्ट में जो स्वेलन होता है उसमें ओवरी प्रेजेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 13, नेम टू फ्लावर्स ईच विथ ज्वाइंट एंड सेपरेटेड सेपल्स। दो फ्लावर के नाम बताइए जो कि ज्वाइंट और सेपरेटेड सेपल्स दोनों हों। जिनमें ज्वाइंट सेपल्स होते हैं वो धतूरा और टोमेटो के फूल होते हैं और जिनमें सेपरेटेड सेपल्स होते हैं वो लोटस एंड रोज के फूल हैं।